कल श्री पुरुषोत्तम महीना है, कभी पुरुषोत्तम महीना ये तीन साल में एक बार आती है। और ये महीना की जो अधिष्ठात्री देवता, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीना आने पर उसको मलमास कहते हैं, मतलब गंदा मास, लोग मलमास 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 कहते हैं। इस महीना में कोई अच्छा काम कोई नहीं करते, शादी गृह प्रवेश कोई अच्छा काम नहीं करते, इसलिए ये महीना का अधिष्ठात्री देवता बड़े दुखी हो गए। भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी के पास में गए, बोले प्रभु वैसे तो मैं तीन साल में एक बार आता हूँ, फिर मेरे को लोग मलमास मलमास कहते, गाली देते हैं, गंदा मास, फिर उसमें शादी विवाह कोई तो अच्छे काम नहीं, फिर मेरे जिंदा रहना नहीं रहना तो बराबर है, मेरे को खत्म कर दो। इतने में जब उन्होंने भगवान की शरण में गए, भगवान ने कहा देखो साधारण लोग तो तुमको अनादर करेंगे, लेकिन जो वैष्णव जन है उसको तुमको बहुत आदर देंगे, हैं? क्योंकि वैष्णव लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय मिले भगवान की भक्ति करें, हैं? ज्यादा समय मिले, लोग कोई कहते टाइम पास नहीं होता है, वैष्णव लोग क्या कहते भाई ज्यादा समय होगा तो ज्यादा माला करेंगे, थोड़ा ज्यादा ग्रंथ पढ़ेंगे, हैं? इसलिए आज से मेरा नाम जैसे श्री पुरुषोत्तम देव है, आज से मेरे नाम से तुम्हारे नाम भी श्री पुरुषोत्तम महीना होगा। इसी महीना में जो मेरी भक्ति थोड़ी सी भी कोई भक्ति करे, भागवत कथा सुने, थोड़ी सी कोई भक्ति में लोग काम करके थोड़ी सी करेगा, तो उसका हजार हजार गुण उसका ज्यादा फल मिलेगा ये पुरुषोत्तम महीना में। इसलिए पुरुषोत्तम महीना में हमारे उत्तर प्रदेश तरफ में लोग गिरिराज परिक्रमा भागवत कथा में तो एक महीना में चार में पांच पांच कथा करते थे, दिन में सवेरे की भागवत कथा, शाम को इतना कथा वहां पर होती थी, इतने कथा बहुत महत्व है। इसलिए इसी महीना में अगर ये कोरोना नहीं होता ना, कितने लोग जगन्नाथ पुरी आते, क्यों उसे विशेष करके गुरुदेव रहते समय में भी वो आते थे जगन्नाथ पुरी और यहाँ पर सबके सब दर्शन करते थे, हैं? दर्शन करते थे। इसलिए कल से पुरुषोत्तम महीना आरंभ हो और उसी महीना में कोशिश करना सबके सब जैसे आरती में आना, सारे भक्ति हमको जागरण करना, जितने हम साधन भजन कर रहे हैं जैसे जितना माला करते हो कोशिश करना थोड़ी सी माला बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी माला बढ़ाने के लिए कोशिश करना, क्योंकि उस महीना में थोड़ी सी भक्ति करने का बहुत महत्व है। कोई कोई वैष्णव रोज रोज गिरिराज परिक्रमा वृंदावन परिक्रमा पूरा चक्रत परिक्रमा बहुत लोग बहुत नित्य नियम पूर्वक करते हैं, इसलिए तुम लोग कोशिश करना जितना भक्ति कर रहे हो कल से ज्यादा भक्ति करने के लिए, ठीक है? बोले श्री जगन्नाथ देव की सिर्फ खाने के लिए कार्तिक महीना में जैसे खाते हैं, जैसे बैगन नहीं खाना, घिया नहीं खाना, परवल नहीं खाना, सीम सरिसों का तेल सरिसों नहीं खाना, इसलिए और टमाटर नहीं खाना, कोशिश करना जितने गृहस्थ भक्त है कोशिश करना इसी महीना में थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा इस सब चीज को नहीं खा करके एक महीना अच्छे तरह से पालन करने के लिए। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, बोले से पुरुषोत्तम देव की, हाँ जाओ भजन गा आरती गा।